इस वीडियो में आज आप लोग को इस तरीके से बेडशीट डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद प्यारा भी बहुत लगता है। जो ये डिजाइन है नया लुक में हमने बनाकर दिखाने जा रहे हैं। तो ये जो वेलवेट का एक डिजाइन बेडशीट होता था उस तरीके से हम बनाएंगे, लेकिन ये हमारा जो है वो फेब्रिक का है, वेलवेट का नहीं है। जब बेडशीट वेलवेट का बनाते हैं तो उसको धुलते हैं तो वो बाद में ख़राब हो जाता है, और ये फेब्रिक का नहीं ख़राब होगा। आप कॉटन का चाहिए तो कॉटन का ले सकते हैं, और क्रेप का आपको चाहिए तो क्रेप का भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम बनाकर दिखाने जा रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद प्यारा भी बहुत लगता है। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप लोग हमसे बनवाना या मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग कैसे आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को हम इस तरीके से बेडशीट डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। आप इसे कुशन बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, टेबल मेट बना सकते हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है। तो इसको हमने क्या किया है, इस तरीके से हमने फेब्रिक लिया है, तो इसको हमें फोल्ड करना है और अच्छी तरीके से बराबर करते हुए हमें इसमें निशान लगा लेना है। तो जिस तरीके से हमने एक कार्डबोर्ड लिया है और उसको इस शेप में हमने कटिंग किया है, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं उस तरीके से हमने कटिंग किया है। अगर आप लोग कटिंग नहीं कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा या व्हाट्सएप पर, तो हम इसका शॉर्ट वीडियो में बनाकर दिखा देंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से रेड में दो और ग्रीन में दो, इस तरीके से हमने डबल डबल कर हमने कटिंग कर लिया। ये लाइन को ड्रॉ करा है इस तरीके से, जिस तरीके से हमारा शेप था। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया। दो पीसेस हमारा ग्रीन है और दो हमारा मतलब रेड है। तो ये हमारा जो दो रेड है दो ग्रीन है, तो हमारा इस तरीके से चार चार पीसेस में आया। हमने डबल डबल इस तरीके से किया है। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से अब हमें इसी तरीके से जिस तरीके से हमने कटिंग किया उसी तरीके से हमें सिलाई करना है। तो ये देखिए, एक पीसेस हमारा ये सिलाई हो गया। अब इसी तरीके से हमें कटिंग कर देना है, देख सकते हैं। अब रेड को लेंगे, इसको भी दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई करेंगे। अगर आप एक एक करिए तो हमारा चार पीसेस है, और अगर इसमें ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारा दो पीसेस हो जाएगा। तो इसको हम आप लोग को दो बार रिपीट कर बता दे रहे हैं कि आप लोग की समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। और ये देखिए, हमने इस तरीके से इसको भी हमने सिलाई कर लिया। तो इसमें हम आप लोग को ये बता दे रहे हैं, ये जो डिज़ाइन है तो बहुत ही आसान है बनाना, आप बना सकते हैं। जिनको उतना नहीं पता है वो भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप लोग बोलेगा तो इसी डिज़ाइन का दूसरा फ्लावर रहेगा, वो हम आप लोग को बनाकर दिखाएंगे। बहुत ही प्यारा लगेगा, इससे भी प्यारा लगेगा। तो ये हम थोड़ा सा आसान है, और इसके लिए हमने ये बताया है कि जो जिनको नहीं आता है व्हाट्सएप पर या कमेंट में मैसेज करते हैं कि हमें उतना नहीं आता है तो हम क्या करें। तो आप लोग पुराने कपड़े में लीजिए और ट्राई करिए, जब आपका बन जाए तो नए कपड़े में बनाइए। तो इसको हमने इस तरीके से, ये देखिए जो हमारा रेड वाला पीसेस है इसको भी हमने इस तरीके से सिलाई कर दिया, ये देखिए। और इस साइड भी इसी तरीके से पूरे पीसेस को सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, जितना भी पीसेस था हमने इस तरीके से पूरे पीसेस को सिलाई कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से सिलाई कर आप कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा दो है, तो इसको हमने एक को इस तरीके से करना है और कटिंग कर देना है, एक साइड का, दोनों साइड का नहीं, एक साइड का। अब इसको फोल्ड करेंगे, इसको अच्छी तरीके से बराबर करते हुए कॉर्नर से इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे दोनों पीसेस को। तो ये देखिए, एक हमने कर लिया, इसी तरीके से पूरे पीसेस को हम सीधा कर लेंगे, और इसको सीधा करने के बाद में इसको प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से इसको प्रेस कर लिया और सीधा कर ये हमने चार पीसेस लिया था, ये देख सकते हैं इस तरीके से आया है, दो ग्रीन दो रेड। तो ये अब हमने वाइट पीसेस को लिया है, तो वाइट वाला हमने 5 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई इस तरीके से, सॉरी 5.5 इंच 4 इंच लंबाई, सॉरी 4.5 इंच चौड़ाई हमने लिया है। और ये रेड वाला हमने 5 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई में लिया था। तो इस तरीके से अब हमें इसको रखना है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों जो हमारा है वाइट, इसको दो दो को आपस में मिलाते हुए सिलाई करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो दोनों पीसेस को हमने वाइट को सिलाई कर लिया है, और इस साइड भी हम दोनों पीसेस को वाइट को सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको भी सिलाई कर लिया। अब इसको इस तरीके से फोल्ड देंगे, और इसको भी अब हम दोनों पीसेस को आपस में मिलाते हुए अच्छी तरीके से बराबर करते हुए ये देखिए इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, हमने सिलाई कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से हमारा आया है। अब हमें क्या करना है, ये ग्रीन वाला पीसेस लेना है, इस तरीके से रखना है, और रेड वाला लेना है इस तरीके से। तो पहले हम रेड करेंगे, इसलिए कि हमारा जो धागा लगा हुआ है रेड कलर का लगा है। तो इसको हमें इसके ऊपर रखना है और अच्छी तरीके से सिलाई कर लेना है। तो हमने पहले भी आपको ये बताया था कि इस तरीके से वेलवेट वाला जो बेडशीट रहता है उस तरीके से हम बनाकर दिखाने जा रहे हैं। तो ये फेब्रिक है, तो इसको हमें क्या करना है, आपको ना हाथ से तुरपाई करना है और ना कुछ भी, इसको आप मशीन से इस तरीके से सिलाई कर दीजिए।
ये देखिए जी, आप जब पूरा बेड शीट आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, आप इसे कुशन भी बना सकते हैं, आप इसे पिलो भी बना सकते हैं, आप कुछ भी डिजाइन इससे बना सकते हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है इस तरीके से, इसके ऊपर से सिलाई करना है, सिलाई बहुत ही आराम से करना है कि हमारा अच्छी तरीके से ये कॉर्नर पर ही सिलाई हो, तभी इसका फिनिशिंग अच्छी तरीके से बनकर आएगा। तो एक साइड हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया, ये देखिए अभी हमारा रेड है तो इसको हमें दूसरी साइड भी हमें रेड ही सिलाई करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब रेड को भी हमें इसी तरीके से रखना है और सिलाई करना है, ग्रीन को भी इसी तरीके से रखना है और सिलाई करना है, ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा, आप लोग ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, बनाना भी बहुत आसान है, कोई इतना वो नहीं है कि नहीं बना पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने एक साइड भी सिलाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमारा ग्रीन है तो हमें धागा को चेंज करना है, हमें ग्रीन रखना है। तो ये देखिए ये जो रेड कलर का धागा है उसको निकाल देंगे, तो हमने धागा को चेंज कर देना है, इस तरीके से ग्रीन रखना है। तो हमने ये देखिए इसमें लगा दिया है ग्रीन। अब हमें ये ग्रीन वाला पीसेस लेना है और इसको भी अच्छी तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करना है, जिस तरीके से हमने रेड बताया है उसी तरीके से ग्रीन भी सिलाई करना है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, अब इसको कर देंगे कटिंग, देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है इस तरीके से आया है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से येलो कलर का हमने इसमें इस तरीके से निशान लगाना है राउंड शेप में, तो हमने येलो कलर लिया, आप चाहे ब्लैक भी ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो हमने इस तरीके से इसी तरीके से जिस तरीके से हमने राउंड शेप में निशान लगाया उसी तरीके से हमें राउंड राउंड सिलाई भी कर लेना है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, लाइन ड्रॉ किया था उसी के ऊपर से, अब इसको इस तरीके से करना है। तो हमने डबल लिया था, तो डबल लिया था तो एक ही साइड का कट करेंगे, दोनों साइड का नहीं कट करना है। अब इसको अच्छी तरीके से बराबर करते हुए सीधा कर लेंगे, तो ये देखिए हमने सीधा भी कर लिया। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और राउंड राउंड हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से राउंड राउंड इसके ऊपर सिलाई कर लिया। तो इसका लुक आप देख सकते हैं, हमने ग्रीन रेड येलो चार कलर का लिया है, आप कलर कोई भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो हमने इस तरीके से ये देख सकते हैं हमने इसको कंप्लीट किया है। तो बनने के बाद देख सकते हैं बहुत ही आसान है बनाना और बनने के बाद प्यारा भी बहुत लगता है। अगर आप लोग इससे बेड शीट बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं, आप इसमें व्हाइट का पट्टी लगाइए या रेड का लगाइए या ग्रीन का लगाइए, जिस तरीके से आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं और एक एक कर ज्वाइंट कर दीजिए, बनने के बहुत ही प्यारे लगेगा। पट्टी आप 2 इंच 2.5 इंच अपने हिसाब से रखिएगा और आपका जब तैयार हो जाएगा पूरा कंप्लीट तो आप उसमें चारों साइड से बॉर्डर लगा दीजिए, तो बहुत ही बनकर बहुत ही प्यारा लगेगा। इसका लुक आप लोग जरूर बनाकर ट्राई करिएगा। आई होप आप लोग को डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आप लोग को डिज़ाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और इस तरीके से आप लोग देख सकें नई नई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।